अपने मिजाज को काबू में रखा करो। अरे कर क्या रही है बेचारी, योगा ही तो कर रही है। अम्मा जान, आपने कभी इतना बदशकल योगा देखा है? भाई तुम दोनों बहुत लड़ते हो, अब मेरी रिदा को देखो, जबान से उफ तक नहीं करती। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ। बेटा आपसे दादी माँ की चमची है। हम क्या हैं? उल्लू हैं। नहीं फरी बीबी, आप तो शरीफ लोग हैं। उल्लू ही हुए ना फिर। अरे ये जो तुमने गले में यूं डाल रखा है दुपट्टा, इसको इस तरह से ओढ़ो। शरीफ लड़कियों की इज्जत उनके अपने हाथ में होती है। वो भी रो रही है। दफा करें जी, रोती है तो रोए भाई, हमें क्या। वो मेरे मरने पर रो रही है चवल। वो सुबह निकाल के याद से फरहाद को दे देना, वो जुबैर साहब के यहाँ पहुँचाना है। चेक? कौन सा चेक? क्या बात कर रही हो, कैश चेक था, कहीं इधर उधर ना हो जाए। आर यू श्योर के आपने मुझे ही दिया था वो? और परी बेटा, ये चेक तुम मेज पे भूल गई थी। ओह शुक्र अल्लाह, मगर तब मुझे तो याद ही नहीं है। अरे परसों जब तुम्हें अहमद ने दिया था, और मुझे भी देखो, अब आधी रात को मुझे याद आया। थैंक यू अम्मा। लेकिन आप इतनी रात गए क्यों जाग रही हैं? बेटा शुक्राने पढ़ रही थी। अरे बिलाल ने तो डरा ही दिया था। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम करो बेटा। हाँ तो बिलाल के ऊपर किसके खानदान से असर आया? बस ठंडक पड़ गई मुझे डांट कर आपको। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। हमारे खानदान में कोई बेफिक्र नहीं है। ये सारी बेफिक्री जो आई है बिलाल में, ये हमारी बेगम के घर से आई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत सुकून है जिंदगी में। वो आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा? हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने ना दादी जान आपसे मशवरा लेना बड़ा जरूरी। हाँ हाँ कहो ना। तो बीच चरंगी में खड़े होकर मशवरा लूं? वो अपने कमरे में चले ना। चलो। वैसे इस वक्त कौन कौन मौजूद है घर में? अभी भी मैं हूँ, काफी है ना। चलो आओ कमरे में चलो मेरे। आओ। अरे तुम कब आई? जब आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो। वैसे कभी कभी ना कोई वक्त कबूलियत की घड़ी भी होती है। फरीद इस शर्ट के मैचिंग टाई जरा मुझे निकाल। हाँ तो मैं ढूंढ देती हूँ। अरे तुम शायद कुछ मशवरा करने आई थी। हैं? इधर आओ चलो मेरे कमरे। ये लीजिए और उसका भी कुछ करें। इसका मैं क्या कर सकता हूँ? इसका कोई हलवा वगैरह बन सकता है? इसका नहीं, उस औरत का जो मेरे घर को अपना लाउंज समझकर बैठ गई है। जब उसने देख लिया था कि मैं उसे देख के अंदर आ चुकी हूँ, उसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत। बस अब आप जल्दी से दफ्तर जाइए ताकि उससे मेरी जान छूटे। मगर मुझे कहाँ भेज रही हो, मेरी तो आज छुट्टी है। तो फिर ये टाई? अजीत साहब ने आज आना है, उन्होंने कोई प्रेमिसेस खरीदी है, वो मुझे दिखाना चाह रहे हैं। बस फिर तो वो औरत नहीं जाती। औरत भाई वही टिम्मी। अरे फरी बेगम क्यों टेंशन लेती है, उसकी बातों को एंजॉय किया करें, हंसा करें उसकी बातों पर। इतनी तो क्यूट है वो। क्या कहा? क्यूट? मैं आता हूँ दो घंटे के अंदर। क्यूट है? हाय अल्लाह दादी जी, ये औरतें ना इनका कुछ ना पूछे, इतनी झूठी होती है ना। कभी तो मरे को मार देना, तो कभी सांप के बिल में हाथ डाल देना। अब बुरी बात है टिम्मी, औरत को बुरा कहोगी तो समझो अपने ही को गाली दी। दादी जानी ये तो मैंने एक औरत का किस्सा आपको सुनाया ना, इस सब्जेक्ट पे तो मैं पूरी किताब लिख रही हूँ, और इतनी बड़ी किताब ना किसी ने नहीं लिखी होगी। पता है कितनी बड़ी किताब? वो आपके कोने से शुरू होके तो वो उस टेबल तक खत्म होगी। तो जी इधर आपसे मैंने लेना एक वादा। कैसा वादा? आपने मेरी इस अजीम शान किताब का दबाचा लिखना है। हैं? नहीं? हाँ?
यार ये खत है तुम्हारा भाई। Oh my God, ये भाई खत है। जाओ मिल गई। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि तुमने जॉब करने का इरादा कर लिया? बस 2 साल के लिए बाबा, उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए छुट्टी ले। चलो जैसे तुम्हारी खुशी। भाई फरीद, फरीद आओ ना इधर। हाय हिला जी, कुछ और ही मांग लेती। बेग जी क्या? वो ना मेरी किताब का दिवाचा ही लिख दीजिएगा। अहमद जी, मुझे क्यों बुलाया था आपने? हाँ वो अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है ना, उसका लेटर दिखाने के लिए। हाय नहीं नहीं अहमद, पहले आप वादा करें मेरी किताब का दिवाचा लिखेंगे। बस नहीं, तौबा है, किताब का दिवाचा ना हुआ, खुशखती का इम्तिहान हो गया। अहमद आप और बिलाल सर मेरे साथ कमरे में आए। दादी जान देखा आपने, बाजी जी ने कैसा किताब का पहला चैप्टर क्लोज किया है। नहीं अब कुछ नहीं रह गया दादी जान, मैं नहीं रह सकती अब, मैं जा रही। पर पागल जल्दी हो रहा है दीवाना। थैंक यू सर। यू वेलकम। और सुनो, इसको जमा करवाने से पहले एक दफा मुझे और दिखा देना। ठीक है। वैसे सर लगता है मुझसे ज्यादा मेहनत तो आपने की है। डोंट बी सो फॉर्मल, लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है और कराची में इतना तकल्लुफ अच्छा नहीं लगता। सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। किसके साथ आई हो? जब तुमने देख ही लिया है कि मैं किसके साथ आई हूँ तो फिर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि बाद में इस काबिल नहीं है कि तुम उसके साथ घर आओ, ठीक है? रिलैक्स करो, कोई भी नहीं था मुझे छोड़ने के लिए, उन्होंने ऑफर की तो मैं आ गई। हाँ, सारे टैक्सी रिक्शा की हड़ताल हुई थी ना, पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही बचा था। क्या हो गया है तुम्हें बिलाल? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, हम एक लास्ट असाइनमेंट कर रहे थे, ग्रुप ने सबने एक साथ खत्म कर दिया, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों बिहेव करते हो जैसे दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही पता है अच्छा और बुरा क्या है? देखो मैं बता रही हूँ, तुम इस तरह मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते और हुक्म नहीं चला सकते मेरे ऊपर। क्या बदतमीजी है किरण, तुम यहाँ खड़े होकर भाई से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? अम्मी समझा ले उसको। क्या समझाऊं, क्या मतलब है, तुम दोनों अपनी उम्र भूल गए हो, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। चलो अंदर चलो। अब बताओ क्या बात है? अहमद ये दोनों, तुम बोल चुकी हो, अब इनको बोलने दो। बोलो बिलाल। पापा पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि शकील मीर ने अपनी बीवी को कत्ल किया था, अब अगर ये नहीं मानता या डिनाई करता है तो उसे फैक्ट बदल नहीं जाएगा। मानता हूँ अच्छा टीचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी है। और ये पूरा पूरा दिन घंटों बैठ के उससे बातें करती है, मैं मना करता हूँ तो सुनती तक नहीं है। और आज तो हद हो गई, वो उन्हें घर तक छोड़ने आए थे। बाबा अगर ये आपसे गाड़ी की फरमाइश करती है या पैसे मांगती है तो आप उसको मना तो नहीं करेंगे ना? इससे पूछिए कि क्यों बहाने बना बना के उसके साथ घर बैठ के आती है। और कुछ? अभी उनसे क्या बातें करती हैं और लिफ्ट लेके क्यों आती है, आप इनसे ही पूछें। बिलाल बीवी के कत्ल के केस में सजा हुई थी, मुकदमा चला था। बाबा यहाँ हर कत्ल को कहाँ सजा मिलती है? बेटा कत्ल बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, किसी ने कह दिया और तुमने यकीन कर लिया। किरण बेटा जी, जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, उस वक्त यूनिवर्सिटी कराची से 12 मील दूर तसव्वुर की जाती थी। मेरे पास उस वक्त गाड़ी थी, मैं बस स्टॉप पे अक्सर लड़कियों को खड़े हुए पूछ लिया करता था कि अगर वो साथ चलना चाहे, और अक्सर बैठ भी जाया करती थी, लेकिन कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। शायद इसलिए कि 2 या 3 लड़कियां एक साथ बैठा करती थी, ना कभी अकेली लड़की को मैंने पूछा ना कभी कोई बैठी। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई गलत काम कर रही हो,
लेकिन जैसे तुम्हारा भाई इसको गलत समझता है, हो सकता है यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चे इसको अच्छा ना समझे। बाबा अपनी मिसाल दे के समझाना बहुत आसान, मेरा ओपिनियन पूछे बगैर आप लोग कैसे कोई फैसला कर सकते हैं। किरण बदतमीजी क्यों कर रही हो, यहाँ के बैठो, तुम्हारे बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मुझे पता है उन्होंने क्या कहना है, लेकिन मेरी भी आज एक बात सुन, मेरा शकीर मीर के साथ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन नहीं समझे आप लोग जो समझना है, क्योंकि बिलाल बहुत अकलमंद है ना, उसको सब कुछ पता है क्या हो रहा है दुनिया में। यू डोंट ट्रस्ट मी। तैयार खड़े हो, किरण कहाँ है? उन्हीं का इंतजार हो रहा है, देखिए कब आती हैं। बिलाल बेटा उसे तंग ना करना, आज उसका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है, कुछ जरूरी काम देना है फिर आ जाएगी, लड़ना मत उसके साथ। मैं दादी माँ मैं लड़ता हमेशा वो। दादी माँ मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही, और इनसे कहिएगा फिर चौकीदारी मत कर। फरहाद पहले आपने रिदा को स्कूल छोड़ना है, उसके बाद करण की यूनिवर्सिटी, फिर मुझे ऑफिस छोड़ के वापस यूनिवर्सिटी पर करण का वेट कीजिएगा। हेलो जी शकील साहब, बस मैं पहुंच रही हूँ। जी जी मेरे पास ही है। ओके भाई फिर आप मुझे 2 बजे तक पिक करोगे? भाई फिर आप मुझे 2 बजे तक पिक करोगे? भाई मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ क्या बात है? सुनते ही नहीं। फिर आप मुझे 2 बजे तक पिक करेंगे? हाँ गाड़ी मेरे पास नहीं होगी, टैक्सी पे आ जाऊंगा, तुम साथ करो। हेलो हाँ बस मैं गाड़ी में हूँ, यूनिवर्सिटी तो पहुँचने दो। ओए होए देर तो रोटी खुली भी है। आपको कुछ चाहिए? सच बताएं किसी की दावत शावत है ना, हमें नहीं बुलाया आपने। मैंने ये पूछा है आपको कुछ चाहिए? चाहिए है नहीं चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, सच सच बताएं दावत है किसी की? दावत शावत नहीं है, फरी बीबी ने आलू के पराठे बनवाए थे, अब साहब और बीबी नाश्ता करने आते ही होंगे। हाय नाश्ता इस वक्त? चलो कोई नहीं, हम दोपहर का खाना समझ के खा लेंगे। हेलो भाई नवाजिश। हाँ जी आलू मांगने आई थी, आलू तो खैर परांठे में चले गए, मगर आपके दिल की मुराद पूरी हो गई है कि माँ तो आलू के परांठे, क्यों ना हम दोनों बहन भाई इनको ब्रंच पे ज्वाइन ना कर लें? हैं हाँ हाँ आ जाए आप, आ जाए ना। ओके जी ठीक है। और हाय 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 वाइट भाई ब्यूटीफुल पराठा। वाह जी स्वाद आ गया जी, मजा आ गया है जी, मैंने ऐसे जी आलू कीमे के पराठे जिंदगी में कमी खाए हैं जी। वाइट भाई आप तकल्लुफ बात करते हैं। वाइट भाई कर्नल साहब आपकी इतनी तारीफ करें, शुक्रिया ये अदा करके। फरी बीबी इधर आए। जी वाइद भाई इधर आए। अच्छा फरी बीबी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस घर में या मैं रहूंगा या कर्नल साहब और उनकी बहन। वाइद भाई यहाँ थोड़ा ही रहते हैं, कहीं भी रहते हो
मेरे तो पराठे बना बना के हाथ सोज गए। हाँ जो लगता है वाहिद भाई नौकरी छोड़ के जा रहे हैं भाई। हाँ जी क्या बात है, आप बड़ी पसूड़ी पड़कानी है। देखे बेग साहब बात ये है, घर के अंदर एक अच्छा कुक होना बड़ा लाजमी होता है, वरना ऐसे गानों का लुत्फ कहाँ आएगा। भाई वाहिद भाई जरा खलाल तो दीजिएगा, लग रहा है कीमत सही नहीं गला था। आपको कुछ फिक्र भी है? मुझसे कुछ कहा? नहीं, दीवारों से बातें कर रही। अरे वाह, आप तो शायरी करने लग गई। वो क्या था? हेमर। अच्छा लगता है। हेमर, प्लीज सीरियस हो जाए। इस अखबार को यहाँ रखिए और मेरी बात गौर से सुनें। जी मैं किरण की तरफ से बहुत परेशान हूँ। अब क्या हुआ? अभी उस रोज तो मैंने बात की थी उससे। आई एम श्योर कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। देखिए अहमद, इंसान कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करता है। कभी नादानी में कर जाता है, कभी इम्पल्सिव होकर, और ख़ास तौर से जब से बिलाल ने मुझे उस लेक्चरर के बारे में बताया है, मेरी तो जान ही निकल गई है। कहीं हमारी किरण, मुझे यकीन है कि किरण ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करेगी। आपको इतना यकीन कैसे है? वो मेरी बेटी है इसलिए। और अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि जिससे आपकी यकीन को धचका लगे, तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, बल्कि इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। क्या मतलब? प्लीज़ इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखिएगा, कहीं तमाशा ना बन जाए। मैं रात को टॉर्च ढूंढने किरण के कमरे में गई तो वो फोन पर थी। क्या वक्त हुआ था? यही कोई 11 बजे का टाइम था, मगर उसने मुझे देखते ही फोन बंद कर दिया। और कुछ चोर सी हो गई थी। तुम परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगा, बल्कि मैं ही क्या, हम दोनों बात करेंगे। और अगर बिलाल का कहा सही है और ये रात भर उस शख्स से बातें करती रहती है, तो फिर तो वाकई परेशानी की बात है। कहीं कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा था? आप तो सीक्रेट एजेंट होती जा रही है। अरे बाहर भाई डस्टिंग कर रहे होंगे, और क्या हो रहा होगा। अम्मी अबू मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कहाँ जा रही हो? आज तो सैटरडे है। अम्मी आपको पता नहीं है मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, मुझे असाइनमेंट सबमिट कराना है। यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम? तो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कहीं कसिनो थोड़ी जा रही हूँ, रोज जाती हूँ। मैं आपको जरा संभालो। बेटा आप अकेली जाएंगी या ड्राइवर साथ लेके जाएंगी? नहीं अबू, मुझे कोई पिक कर रहा है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको कोई पिक करेगा? अम्मी क्या हो गया है, राजदा और शहरजाद पिक कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? ओह अच्छा, मैं समझी कि अब मैं जाऊं या इन्वेस्टिगेशन बाकी है? नहीं नहीं बेटा आप जाओ, आपकी अम्मी कुछ आजकल ज़रा उलझी उलझी सी हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ और यूनिवर्सिटी से नूर बानो के घर चली जाऊँगी। खुदा हाफिज़। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है।